नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ से जो रिकमेंड है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो रिकमेंड है, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है, सॉरी इस जॉब में कौन सा अपडेट है उसी के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है वो उसको दिखाने से पहले मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पे जितने सारे नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर को आपको डाल करना है। जैसे यहाँ पे 1002436485 अगर 51 नंबर में नहीं लग रहा है तो 52 में लगाइए, 53 में लगाइए, 54 एंड 55। तो इस तरीके से नंबर में आप हेल्प ले सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट एंड क्वेश्चन हो तो। अभी देखिए स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन का वो भी कब है, 9 तारीख को, और वो भी जून माह में, और ख़त्म कब होगा, 8 तारीख को, जुलाई माह में। तो ये जो जॉब है इसका डिटेल्स डिस्कशन में इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखिए जो जॉब का जो पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट जो दिया गया है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, जहाँ पे 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलेगा। अभी देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल, और वो भी 4th वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज है, जिसमें 25,500 से 80,000 से भी ज़्यादा आपको सैलरी मिलने वाले हैं। तो ये जो जॉब है इस जॉब के लिए कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो कहाँ कहाँ पे मिलेगा जॉब वो ध्यान से देखना। तो टोटल जो वैकेंसीज है फोर्स में, साथ ही साथ पोस्ट में, इस कैटेगरीज जो वैकेंसीज है, यहाँ पे जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उस कैटेगरीज में बीएसएफ में मेल फीमेल कुल मिलाकर 17 वैकेंसीज दिया गया है, जहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी दिया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको ये दिखा देता हूँ। सीआरपीएफ में मेल फीमेल मिलाकर 21 वैकेंसीज है, और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में 56 वैकेंसीज है, और सीआईएसएफ में कितना है 146, एंड एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में कितना है 3 वैकेंसीज है। तो साथ ही साथ हेड कांस्टेबल के लिए भी देखिए कितना सारा वैकेंसीज है, जैसे बीएसएफ के लिए कितना है 302 वैकेंसीज है, और सीआरपीएफ के लिए कितना है 280 है, और इंदो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लिए कितना है 163 है, सीआईएसएफ के लिए कितना है 496 है, एसएसबी के लिए कितना है 5 है, एंड एआर के लिए कितना है 35 है। कुल मिलाकर बहुत सारा वैकेंसीज है मेल फीमेल कैटेगरीज के लिए, और जनरल एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकेप सब के लिए वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज के बेसिस में आप अप्लाई करिए, और आप इस जॉब के लिए जब अप्लाई करने जाएंगे तो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। जैसे आपका एज लिमिट तो 18 से 25 से जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका एज लिमिट बताया गया है कि 1 अगस्त 2024 इसके हिसाब से आपका एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज लिमिट के हिसाब से एस सी एस टी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के 3 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज कैंडिडेट के लिए 3 साल, एंड बाकी विडो, डिवोर्सी, वोमेंस के लिए 35 ईयर्स से 40 ईयर तक आपको एज लिमिट रखा गया है। साथ ही साथ चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट, जो विक्टिम किल्ड है तो उसके ऊपर 5 साल के एक्सपेंस रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा आपको एज लिमिट दिया गया है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस जॉब के लिए पूरा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स मैं आपको नीचे दे दूंगा लिंक पे, उस लिंक में जाकर आप सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अभी चलो देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो बेसिकली मस्ट भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल पास आउट होना चाहिए, मतलब 10+2 लेवल आप पास आउट कर चुके हैं तो आप अप्लाई जरूर करेंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको देखिए कुछ क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसको भी पास आउट करना होगा, मतलब सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको फिजिकल कुछ टेस्ट भी पास करना होगा। देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कुछ एक लिंक दिया गया है, इस लिंक में जाकर क्लिक करना, तो उसके बाद बाकी जो स्टेप है उस स्टेप को फॉलो करके आपको अप्लाई करना है। अभी देखिए जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में चर्चा कर लूँ। देखिए कुछ एग्जामिनेशन, पहले जो एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन सेंटर का कुछ लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, इस जगह पे आपको एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होगा। उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं फिजिकल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके साथ साथ आप देखेंगे फेज वन में क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, पहले फिजिकल टेस्ट होगा, सेकेंड फेज में आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद थर्ड फेज में क्या होगा,
स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपको मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की इसका आपका हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 162, और आपका चेस्ट का साइज 77 होना चाहिए, और फीमेल के लिए मेल फीमेल के लिए यहाँ पे कैटेगरी जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, फीमेल के लिए कोई चेस्ट का जरूरत नहीं है, सॉरी फीमेल का जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर के आसपास। तो अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस में सारे चीज़ दिया गया है। आपको रन देना होगा 1.6 किलोमीटर के बेसिस में, और वो भी 6 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर रन देना होगा और वो भी 4 मिनट 45 सेकेंड में। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया आपको दिया गया है, उस बेसिस में आपको अप्लाई करना होगा। अभी देखिए आपका जो एग्जामिनेशन होगा, जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन में। उसके साथ जनरल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर 20 क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड्स है उसके ऊपर 20 क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ क्लरिकल जो एप्टीट्यूड्स है उसके लिए 20 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिकली अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज एंड स्किल एंड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आपको 1 घंटा आपको एग्जामिनेशन देना होगा, 1 घंटा एंड 40 मिनट, 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। तो पूरा आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से जॉब की इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।